हेलो दोस्तों, मैं अमीर, आपके मिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आईएसएल सीजन 4 के लिए जमशेदपुर एफसी के पूरे शेड्यूल बताऊंगा, यानी कि कौन से टीम के साथ कौन से तारीख पर और कौन से मैदान पर मैच होगा सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जमशेदपुर एफसी का होम ग्राउंड है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो जमशेदपुर में ही है। और दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर एफसी के स्क्वाड के यानी कि खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दे दिया है, आप लिंक क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों, इससे पहले मैं कोलकाता और केरला के पूरे शेड्यूल के बारे में बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप अगर देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का भी लिंक दे दिया है, आप लिंक क्लिक करके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जमशेदपुर एफसी के पूरे शेड्यूल आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जमशेदपुर अपना पहला मैच खेलेगा 18 नवंबर 2017 को रात 8 बजे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के विरुद्ध, जो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम पर होगा, जो गुवाहाटी में है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के होम ग्राउंड है। उसके बाद 24 नवंबर रात 8 बजे केरला ब्लास्टर के साथ मैच होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कोची में है और केरला का होम ग्राउंड है। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 1 दिसंबर रात 8 बजे कोलकाता के साथ अपने होम ग्राउंड पर। उसके बाद होगा 6 दिसंबर रात 8 बजे दिल्ली डायनामोज के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो दिल्ली के होम ग्राउंड है, वहां पर मैच होगा। उसके बाद 10 दिसंबर शाम 5:30 बजे से होगा पुणे सिटी एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर। उसके बाद होगा 21 दिसंबर रात 8 बजे बेंगलुरु एफसी के साथ श्री कंठरवा स्टेडियम, जो बेंगलुरु में है और बेंगलुरु का होम ग्राउंड है। उसके बाद होगा 28 दिसंबर रात 8 बजे चेन्नई एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर। उसके बाद होगा 5 जनवरी 2018 रात 8 बजे मुंबई सिटी एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 11 जनवरी रात 8 बजे एफसी गोवा के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो गोवा का होम ग्राउंड है, वहां पर होगा। उसके बाद होगा 17 जनवरी रात 8 बजे केरला ब्लास्टर के साथ अपना होम ग्राउंड में। उसके बाद होगा 21 जनवरी शाम 5:30 बजे से दिल्ली डायनामोज के साथ अपने होम ग्राउंड पर। उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 24 जनवरी रात 8 बजे एफसी पुणे सिटी के साथ श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो पुणे का होम ग्राउंड है, वहां पर होगा। उसके बाद होगा 28 जनवरी रात 8 बजे कोलकाता के साथ कोलकाता के होम ग्राउंड विवेकानंद युवा भारती क्रांगन, वहां पर होगा मैच। उसके बाद होगा 1 फरवरी रात 8 बजे मुंबई सिटी एफसी के साथ मुंबई फुटबॉल एरिना, जो मुंबई के होम ग्राउंड है, वहां पर होगा। उसके बाद होगा 10 फरवरी रात 8 बजे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ अपना होम ग्राउंड पे। उसके बाद होगा 18 फरवरी रात 8 बजे चेन्नई एफसी के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो चेन्नई का होम ग्राउंड है, वहां पर होगा। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट मैच होगा 25 फरवरी रात 8 बजे बेंगलुरु एफसी के साथ अपने होम ग्राउंड पर। और उसके बाद लास्ट मैच होगा 4 मार्च को शाम 5:30 बजे एफसी गोवा के साथ अपने होम ग्राउंड पर। तो दोस्तों, यह था जमशेदपुर एफसी का पूरा शेड्यूल आईएसएल सीजन 4 के लिए। और दोस्तों, मैंने आप लोगों के जमशेदपुर एफसी के शेड्यूल के एक चार्ट बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, ऐसे ही आईएसएल जुड़े और भी खबरें पाना चाहते हैं तो दोस्तों, आप लोगों का चैनल एमएससी यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा।